घर में 5 आदमी है तो एक 6 आदमी एक गौ को ले ले, गोद हम गौशाला जैसे है यहाँ पे एक सूखी सेवा है। सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लायंस क्लब हम कर रहा है हमेशा से एक समाज सेवा का निरंतर कार्य करता रहा है, सामाजिक संगठनों से भी जुड़कर कार्य करता रहा है और आज हमारा जो इतना भव्य शोभा यात्रा हमारा कटरास का पहचान गंगा गौशाला उसका शोभा यात्रा उसमें हम सभी सरबत और पानी वितरण कर रहे हैं। हमारे लायन मेंबर लायन संजय अग्रवाल है, डॉक्टर कुमार है, विष्णु प्रसाद चौरसिया है। कुमार सबसे पहले ये बताइए हिंदी तो जा चुका है, सनातन जा चुका है और इस तरह के शोभा यात्राएं निकल रही गौशाला कटरास और कटेन गौशाला का आज शुभारंभ होने जा रहा है। आपके मन में किस तरह का प्रवृत्ति हो रही है जो हिंदू आज जा चुका है और गौ गौ रक्षा के लिए इतना तत्पर है? गौशाला का एक तो चार अधिवेशन शुरू होने जा रहा है और भव्य रूप से जिले के गौशाला में शोभा यात्रा निकाला गया। आज हमारे बीच कटरास थाना के साइड अध्यक्षता जी है, आइए हम पूछते हैं किस तरह का शोभा यात्रा में प्रशासन को किस तरह का कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हमारे प्रशासन स्वागत, किस तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ता है इस तरह का जो शोभा यात्रा निकलता है और भी कुछ प्रशासन का काम है जो भी हम लोग सुरक्षा करते हैं, जो भी ड्यूटी पड़ता है हम लोग को अपने स्तर से जो जैसे भी अपना कर्तव्य है हम लोग निभाते हैं वही कर्तव्य हम लोग तरफ संतुष्टि भी लगता है जो हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शोभा यात्रा को अपना प्रोटेक्शन दे रहे हैं। हाँ, हम लोग अपने